राष्ट्रीय पोषण माह जो कि सितंबर महीने के मंथ में मनाया जाता है, और इस महीने में हम लोग जितने भी पोषण से रिलेटेड जो हमारे बच्चे होते हैं, जो न्यूट्रिशन है या फिर बच्चों को सही से पोषण नहीं मिलता है, उसके लिए हम ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर सही पोषण सारे बच्चों को मिलेगा तो हमारा देश तभी वाकई में रोशन हो पाएगा। तो इस समय हमारे साथ हैं समीर सर, जो कि हमें इस राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। सर जी, बच्चों की पोषण स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों को एक अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट का मौका देने के लिए देश में पोषण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि हम कुपोषण को कम करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पोषण देकर उनको एक अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक मौका दें। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें बच्चों सबसे छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जो बच्चे पहले 2 सालों में पल बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ग्रोथ पोटेंशियल उस समय में सबसे ज़्यादा होता है। और पोषण माह और पोषण अभियान इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर गर्भवती महिलाएं तथा पहले 2 साल के बच्चों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर रहा है, ताकि हम उनको अच्छे से अच्छा पोषण दे सके और जिससे उनके डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और अच्छी हो सके। और इसीलिए हमने एक राष्ट्रीय जन आंदोलन क्रिएट करने के उद्देश्य से ये पोषण माह मनाया जा रहा है सितंबर महीने में, बट केवल सितंबर महीने तक सीमित ना रहकर इसको पूरे साल चलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता हो कि हमें बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, ताकि बच्चे अच्छे से बढ़ सके और वो डेवलप हो सके। और इसी को ध्यान रखते हुए ये जन आंदोलन क्रिएट किया जा रहा है, जिसको लोगों तक पहुँचाया जा सके। ये सब नए सोचते हैं, तो पोषण अभियान सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए नहीं है। एक तो एक चीज़ में हमें और बात करनी चाहिए, और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि हम ही से न्यूट्रिशन हमारे बच्चों तक जाएगा। हम जब एडोलेसेंस में आएंगे, जब 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 हमारा एडोलेसेंस चल रहा था, तब हमें जो सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ी, इससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन के मामले में बच्चों को और एडोलेसेंस को फेस करनी पड़ती है। राष्ट्रीय पोषण माह को एक जन आंदोलन की तरह से देखना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वो गांव वाला हो, शहर वाला हो, बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी जानकारी लेकर हम जितना भी कुपोषण है उन सबको दूर कर सकते हैं। और कोशिश रहेगी कि बच्चे जब पैदा हो तो उनको जल्द से जल्द माँ का दूध दिया जाए। पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। 6 महीने होने के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत की जाए, जो गाढ़ा हो, जो उसको बार बार दिया जाए, और उसकी उम्र के हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए, ताकि बच्चा उम्र के हिसाब से ठीक बढ़े और उसकी हाइट तथा ब्रेन दोनों अच्छी तरह डेवलप हो सके। जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो गाढ़ा पीला दूध आता है वो हमें बिल्कुल पिलाना ही चाहिए। हर घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी महिला अगर उस टाइम गर्भवती हो तो हमें उसके पोषण में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहिए। जब बच्चे को कभी भी थोड़ा सा दस्त होता है या इस टाइप की कोई भी बीमारियां होती है तो हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ले जाना चाहिए, या फिर आशा कार्यकर्ताओं के पास ले जाना चाहिए, ANM कार्यकर्ताओं के पास ले जाना चाहिए। हमें कभी भी अगर इस टाइप की दस्त लगे तो हमें हमेशा उनको ORS देना चाहिए। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो आपकी दाल हो, दलहन हो, हर चीज़ हमें बच्चों को देना चाहिए। अगर कभी भी हमें लगे कि हम हमारे बच्चे की पूरी तरह से केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उचित डॉक्टर से मिलना चाहिए। और सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, योजनाओं की कोई भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत है सही व्यक्ति के पास जाने की। तो दोस्तों, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और इस पोषण माह को आप बिल्कुल एक जन आंदोलन बनाएं, जिससे कि हमारे देश का कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे।